Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 10th science worksheet number 27. 2 मिनट का छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम केवल सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 27, सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 4th of September 2020. लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पायरेशन इज गोइंग ऑन. नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स. 3 क्वेश्चंस आर गिवन, बहुत आसान है आज के क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज रिंग. कार्टिलेज रिंग है, उसका फंक्शन क्या होता है. द कार्टिलेज रिंग्स, जिनको हम हिंदी में उपास्थि वल्य बोलते हैं, कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम फॉलिंग ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ एयर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट. यानी कि ट्रेकिया है, उसको गिरने से बचाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं. सेकेंड, दीज रिंग स्टेबलाइज द ट्रेकिया एंड कीप इट रिग, इसको कठोर बना करके रखते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं ट्रेकिया को. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम सच एज ह्यूमन्स. जैसे हमारा शरीर है, मानव शरीर में ऑक्सीजन कैसे प्रभावित होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है. द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. इन एल्वियोली, जो हमारा मेन पार्ट है एल्वियोली, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कम्स आउट ऑफ द ब्लड, ब्लड से बाहर निकलती है, एंड ऑक्सीजन गेट्स इन टू द ब्लड. ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है. आफ्टर एंटरिंग द ब्लड, ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन एंड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस सेल्स. तो इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है. लास्ट थर्ड क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डायफ्रागम. डायफ्रागम है, उसकी प्रोसेस बतानी है वाइल ब्रेथिंग एंड एक्सेलिंग. जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कैसे काम करता है. व्हेन द डायफ्रागम श्रिंक, जब डायफ्रागम है वो श्रिंक सिकुड़ता है, द आउटसाइड एयर ड्रोज इनवर्ड विद द नोज और माउथ. बाहर की जो एयर है वो अंदर जाती है. बट व्हेन इट एक्सपेंड्स, जब ये फैलता है, द एयर एग्जिट्स, एयर है वो बाहर आती है. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.